हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेशन में। इसमें जो हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है इस तरह का एक इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। ये भी जो यूपी में जो एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी वाला, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बेस पर दूसरे भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपके लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होगी और इसको ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा समझना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए हमें दे रखा है ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज एन, क्या है एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोलेसिस ट्रायंगल जो होता है वो होता है जिसका दो साइड जो हैं बराबर होती हैं, है ना। आइसोलेसिस ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। बी जो दिया है हमें एक्स एक्स सच दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, जिसकी तीनों साइड जो है बराबर होंगी वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इसमें हमें जो पूछा है ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, जैसे कि हमारा ये चीज़ है इंटरसेक्शन एंड यूनियन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। जैसे इसमें मैं नंबर देता हूँ 1, 2, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। अगर मैं इसमें बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की, इंटरसेक्शन मतलब होता है जो कि कॉमन पार्ट होता है ना। कॉमन पार्ट क्या है इसमें, 3, 5, 7 जो ये कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर ए यूनियन बी की बात करेंगे जो तुम्हारा पूरा है, लेकिन जो ये कॉमन दो बार आ रहा है इनको हम एक बार ही काउंट करेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 5, 7, 9 जो होगा ये ए यूनियन बी होगा। यूनियन मतलब सारा जितना भी कलेक्शन है, जितना भी इसमें एलिमेंट्स है जो भी है वो सब आ जाएगा इंटरसेक्शन में, जो दोनों में कॉमन होगा ये ए बी है जो कॉमन होगा वो आएगा। तो इसमें पूछा है हमें आइसोलेसिस ट्रायंगल एंड बी दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक क्या होगा आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा। क्या होगा आइसोलेसिस ट्रायंगल जो होगा इज इक्वल टू क्या है, ए है। क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक तुम्हारे पास इस तरह का ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, एक इस तरह का ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड इक्वल है, अगर मैं इसकी भी दोनों साइड इक्वल लेता है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी इसमें, तो ये क्या है एक इंटरसेक्शन है जिसकी जिनकी दो साइड इक्वल हो वो क्या है इंटरसेक्शन है दोनों में। तो इसलिए ए इंटू बी जो होगा हमें ए मिल जाएगा इसका जो आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी हमें दिया हुआ है। जैसे ए दिया है हमें क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड फैक्टर ऑफ 18, है ना। और जो बी दिया है इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ठीक है, लेस देन 6 का मतलब ये है जो कि नेचुरल नंबर हो लेकिन 6 से कम हो, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये आ जाएगा। अगर ए की हम बात करेंगे, ए में जो है क्या है इसे पूछा फैक्टर है 18 का, और क्या है वो भी एक नेचुरल नंबर है। जैसे 1 हुआ, ठीक है, 1 भी फैक्टर है इसका, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 है और 9 है और 18 है। और जो बी मिलेगा हमें वो मिल जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास दो जो है सेट आ गए। अब इसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, एक जो निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, दूसरा हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी भी वो पूछ सकता है। ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो 1, 2, 3 उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए यूनियन बी जो होएगा वो होगा जो हम सारा हम लेंगे, लेकिन रिपीटेशन नहीं है इसमें, रिपीटेशन नहीं होता है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 18 जो होगा ए यूनियन बी होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है और थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लेना, इंटरसेक्शन एंड यूनियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।